अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूं, जिसमें आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आईफोन का बाईपास क्या होता है और इसको करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और कौन कौन से तरीक़ों से हम बाईपास कर सकते हैं और किस iOS वर्जन के ऊपर आप कौन सा बाईपास कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो सारी वीडियो देखना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन का बाईपास किस तरीके से करते हैं। अब आईफोन का बाईपास करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है आईफोन 4 बाईपास टूल। अब जब ये चीज़ आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आपको शो हो जाते हैं। ये बेसिकली बाईपास का होता है कि इसके अंदर बाईपास आप कर सकते हैं। ये टूल्स हैं आई रिमूव टूल्स 1.3। अब इस टूल के अंदर आप आईफोन की छोटी डिवाइसेस का बाईपास आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं और कौन कौन सी विंडो के ऊपर ये सपोर्टेड है वो भी यहाँ पे मेंशन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। फाइल का साइज़ जो है वो 238 MB का है, मीडिया फाइल का लिंक है, जैसे आप इसको करना चाहें। इसका पासवर्ड भी यहाँ पे है। ये बेसिकली आईफोन 4, 4S, आईपॉड्स वगैरह जो iOS पुराने हैं उन पे वर्क करता है। इसके लिए किसी भी जेल ब्रेक की आपको ज़रूरत नहीं होती। आपने जस्ट सिंपल अपनी डिवाइस को ऑन करना है और जब आप उसको सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जब आपका इंटरफेस शो होता है मोबाइल के कनेक्शन का, जैसे मैं अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ छोटी डिवाइस तो नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरफेस कैसे आपको पता चलेगा। मेरे पास ये एक डिवाइस है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो ये देखें, ये आईफोन की डिवाइस जब ऐसे कनेक्ट हो जाएगी तो आपने सबसे सिंपल इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है आफ्टर इंस्टॉल। जब आप ओपन करेंगे, डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है नो डिवाइस कनेक्टेड, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा स्टार्ट बाईपास। ऊपर IMEI नंबर, सीरियल नंबर, UDID नंबर और ये चीज़ें iOS वर्जन हर चीज़ यहाँ पे लिखी आ जाएगी इस टूल के अंदर। तो यहाँ पे आपको गेट बाईपास का जो है बाईपास के लिए आपको एक ऑप्शन आ जाएगी, आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक न्यू वेब ओपन करके देगा कि यहाँ पे अपने सीरियल को आप रजिस्टर कर लें, वो भी बिल्कुल फ्री। आपने जस्ट वहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट लिखना है और सिंपल उसको डन करना है। उसके बाद आपने बाईपास पर क्लिक करना है, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली होम पेज पर चला जाएगा। ये था आपकी छोटी डिवाइस के बारे में। ये देखें, कनेक्ट योर आईफोन 4 और 4S डिवाइस, ये इस पर वर्क करता है। यहाँ पे उन्होंने लिख के भी दिया हुआ है कि ये आप किन डिवाइसेस के लिए ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि मोस्टली आईफोन 4 और 4S का बाईपास आप जेल ब्रेक के थ्रू नहीं कर सकते। मैकबुक पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इनके बाईपास नहीं मिलते आपको। तो सबसे इजी वे था आईफोन 4 का बाईपास, 4 और 4S का बाईपास कैसे करते हैं। ये टूल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी के जो बाईपास हैं जैसे आईफोन 5 से ऊपर 6 to X बाईपास कैसे होते हैं, उसमें फिर मैं आपको ये बताऊंगा iOS 12 से लेके 14.8 तक बाईपास कैसे होता है या 15 का बाईपास कैसे होता है। फिर आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके अंदर आप डिसेबल स्क्रीन का बाईपास कैसे कर सकते हैं। डिसेबल स्क्रीन पे आईफोन 7 प्लस अगर आपका डिसेबल स्क्रीन, फॉर एग्जांपल आईफोन आपका इस तरह से डिसेबल है तो आप उसका बाईपास कैसे कर सकते हैं, वो भी सिम वाला। अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा, मज़ीद जितना बेहतर हो सकता है तो मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर गाइड करूंगा। एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको इतना नहीं बता सकता क्योंकि आपको इसकी भी समझ नहीं आएगी, अगले की भी समझ नहीं आएगी। तो ये थी एक छोटी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको आईफोन 4 और 4S का बाईपास वो भी बिल्कुल फ्री करने का तरीका बताया कि आप उसको किस तरह से बाईपास कर सकते हैं। तो अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा iOS 12 से लेके iOS 14.5 या 14.8 तक आप बाईपास कैसे कर सकते हैं, जेल ब्रेक कैसे कर सकते हैं, वो सारी वीडियोस मैं आपको दूंगा। फिर उससे आने वाली अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको डिसेबल स्क्रीन का दूंगा, iOS 15 का बाईपास दूंगा। तो ये सारे आगे से आगे हमारे जो चैप्टर जैसे जैसे आएंगे तो उसमें आपकी डिटेल होगी। अभी तक के लिए बस इतना ही, और
इस वीडियो में अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे मेरे नंबर पर या कमेंट्स के अंदर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपका रिप्लाई भी करूँगा और आपको आपका जो इशू है उसका सलूशन भी प्रोवाइड करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।